नमस्कार प्यारे मित्रों, आज एक बार फिर नीलू कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्याय 7 के क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। प्रश्नावली 7.1 ये मानो कि इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें से एग्ज़ाम में 2 नंबर का एक क्वेश्चन निश्चित आता है। तीनों क्वेश्चनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, आपके 2 नंबर ये मान लीजिए कि पक्के हो गए। क्या हो गए? पक्के हो गए। कैसे? इस वीडियो के माध्यम से आपको हम समझाएंगे और आपको रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बहुत सिंपल तरीका है कैसे हम याद करते हैं दो बिंदु के बीच की दूरी। तो क्वेश्चन लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। बीच की दूरियां ज्ञात करना है तो हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे ऐसे। इसको नाम P दे देंगे और इसको नाम Q दे देंगे। बिंदु P के निर्देशांक दे रखे हैं 2.3 और Q के निर्देशांक दे रखे हैं 4.1। जब ये बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं और हमसे यहां से लेकर P से लेकर Q तक की दूरी पूछ ली है तो हमें यह पता है, हम लिख सकते हैं या दिया है इसको मान लेंगे ये x1 का मान, ये y1 का मान, ये x2 का मान, ये y2 का मान। इतना मानने के बाद आपको एक फार्मूला याद, चाहो तो यहां लिख सकते हो x1 = 2, y1 = 3, x2 = 4, y2 = 1 और PQ में निकालना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हमें याद होना चाहिए अच्छे से। याद नहीं है तो भी चलेगा, सबसे पहले तो याद होना चाहिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी PQ = सूत्र होता है x2 - x1 का वर्ग + y2 - y1 का वर्ग। इतना करने के बाद PQ = अगर सूत्र याद नहीं है, सर हमें सूत्र याद नहीं है, तो बेटा आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपसे कहा ना PQ, तो Q वाले निर्देशांक पहले लिखना है। जैसे Q का 4 है और P का 2 है, पहला है ना, पहला बिंदु, 4 में से 2 घटा 2, 4 - 2 का स्क्वायर + y2 का निर्देशांक 1, y1 का 3 / 2, PQ = दे रखा है, 4 में से घट जाएगा 2 तो कितने बचेंगे भाई, 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर + 1 में से गया 3 तो -2, PQ √ 2 का स्क्वायर। 2 का वर्ग क्या होता है? 2 का वर्ग होता है 4। क्या होता है? 4 होता है। और फिर 2 का वर्ग - 2 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आएगा भाई? 4 ही आएगा। PQ ये होगा √8। कितने होगा है? 8। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? PQ = 8। तो 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं PQ = दो गुणा दो गुणा दो दो गुणा दो गुणा
हमें पता है वर्गमूल से जिसके जोड़े बन जाते हैं वो बाहर निकल जाता है। तो पी क्यू का आंसर दो बिंदु के बीच की दूरी का क्या आया? दो करनी दो। क्या आया? दो करनी दो। इसी प्रकार सवाल नंबर दो है। सवाल नंबर दो, सवाल नंबर दो में क्या दे रखा है? दो बिंदु है माइनस 5.7 और 1.3। बिल्कुल सेम टू सेम जो पहले चित्र बनाया था वो ही बना लो। पी क्यू ये हमें ज्ञात करना है। पी बिंदु के निर्देशांक माइनस 5.7 दे रखा है, क्यू बिंदु के निर्देशांक 1.3 दे रखा है। तो वही सूत्र लगा देंगे, पी क्यू बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मैंने कहा था बेटा अगर आपको सूत्र याद ना हो तो दूसरे निर्देशांक से पहले निर्देशांक को कम करना है। एक ऐसा कैसा रहेगा, एक्स टू का मान है, माइनस का चिन्ह पहले से ही है, सूत्र में एक माइनस पहले से होता है, प्लस 5 पावर 2, 3 में से घट जाएगा 7 पावर 2। पी क्यू बराबर 1 और 5 जोड़ लेंगे 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर, 7 में जाएगा 3 माइनस के 4। पी क्यू बराबर 6 का स्क्वायर होता है 36 और 4 का स्क्वायर होता है 16। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो इतना करने के बाद में हमें क्या करना है? थोड़ा यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बिंदु अपन ने प्लस का 1 ले लिया, माइनस का 1 था, तो यहाँ पर माइनस का 1 कर दो चाहो तो। सवाल बदल के भी आ सकता है पेपर में, तो हमें रटना थोड़ी है, नहीं चलो ऐसा कर लो, माइनस कर लो अभी, तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, 5 में से कट जाएगा 1, 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 हम जोड़ लेंगे तो क्या आएगा भाई? पी क्यू 16 16 32 होते हैं, कितने होते हैं? 32। गुणनखंड करेंगे तो क्या निकल के आया? गुणनखंड 16 32 का हम क्या बोल सकते हैं? 32 का गुणनखंड निकल के आ सकता है क्या? 4 करनी 2। कैसे बेटा? ऐसे पी क्यू बराबर ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुणा 4 गुणा 2। ये कहाँ से आया बेटा? ऐसे कर सकते हो आप, ऐसे कर लो गुणनखंड, ऐसे 2 एकम 2 2 16 2 छंग 12 2 8 2 4 2 1 2 2 2 2 2 कितने होगा? ये 4, ये भी होगा 4 4 6 16 16 2 32। आपकी इच्छा है कैसे कर सकते हो। जिसके जोड़े बन जाते हैं वो हम बाहर निकाल लेते हैं। पी क्यू बराबर आएगा 4 करनी 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। सभी 1 मिनट के लिए इसका आपको 30 सेकंड देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 3 कराएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, दो क्या लिखा है? ए कोमा बी और माइनस ए कोमा बी, ठीक है, ये बिल्कुल सही है लिखा। क्वेश्चन नंबर 3, वही डायग्राम बनाएंगे हम, P
पी लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे क्यू, वो ही दो बिंदु के निर्देशांक a, v। क्यू दे रखा है -a, v। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, पेपर में दो नंबर के आते ही हैं। पी क्यू ज्ञात करना है, लिख भी सकते हो, दिया है, ज्ञात है, दिए गए बिंदु, कुछ भी लिख दो यार। x1 = a, y1 = b, x2 = -a, y2 = -b। वो ही सूत्र लगाना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यहाँ लिख देता हूँ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी PQ = क्या होता है, x2 - x1 / 2 y2 - y1 / 2। इतना करने के बाद में PQ मान रख दो, x2 का मान है माइनस का a, सूत्र में माइनस पहले से ही है, x1 का है a, -a - a / 2 प्लस y2 - b, सूत्र का माइनस, y1 का b। PQ = हमने आपको बता रखा है माइनस और माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस का ही आता है, माइनस का ए और माइनस का ए, माइनस के 2a / 2, माइनस का भी, माइनस का भी, माइनस के 2b / 2। PQ = दे रखा है, सॉरी PQ = क्या आएगा, 2a² = 4a² होता है, 4b² हो गया। PQ = यहाँ से 4, चलो ऐसा करते हैं अंदर ही रखते हैं, अभी 4 बाहर निकाल लो, क्या बच जाएगा, a² + b² इतना करने के बाद में चार का रूट क्या होता है, 2 क्या होता है, 2, अंडर रूट में क्या जाएगा अंदर, a² + b². ये तीनों क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं ऐसे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, धन्यवाद।